सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेको और आज देखें बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए बायोलॉजी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 17 फ्रेंड्स। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की कड़ी में मैंने इससे पूर्व फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपके सामने लाने का प्रयास किया हूँ और इसी कड़ी में आज प्रस्तुत है बायोलॉजी का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 17 फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मासिक धर्म चक्र बंद हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है, अंग्रेजी में मेनपॉज कहा जाता है। आप इसे वनलाइनर बनाकर पूर्व की तरह याद कर सकते हैं। 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मासिक धर्म चक्र के बंद होने को रजोनिवृत्ति मेनपॉज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अनुवांशिकता के जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग कर अनुवांशिकता से संबंधित अनेक नियमों का प्रतिपादन किया और इसी के कारण इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स अनुवांशिकता के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, छुई मुई के पौधे म्यूबोसा पुडिका प्लांट की पत्तियों का झुकना किसके कारण है? तो दबाव में परिवर्तन, चेंज इंटरनल प्रेशर के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुई मुई के पौधे टच मी नॉट प्लांट की पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती हैं क्योंकि पत्तियों के टर्गर दबाव में परिवर्तन होता है। बिल्कुल ही स्पष्ट आंसर के साथ मैंने एक नवीन परंपरा की शुरुआत की है और इसे आप याद रखेंगे और क्वेश्चंस को उसके ऑप्शंस के साथ मिलाकर वन लाइनर बनाकर याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, हमारा रंध का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो द्वार कोशिकाओं गार्ड सेल्स के द्वारा रंध का खुलना और बंद होना यह तय किया जाता है। रंध जो पत्तियों की सतह पर उपस्थित होते हैं, कभी ऊपर या कभी फिर नीचे, और इनके द्वारा ही वातावरण में जल, अतिरिक्त जल का निष्कासन होता है। इस क्रिया को ट्रांसपरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में जल की मात्रा के कमी या अधिकता के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? तो पराशरण की क्रिया के द्वारा होती है, ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है? तो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा, डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल का CO2 पत्ती में प्रवेश करती है। जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और यह वायुमंडल से रंध्र के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है और जिस क्रिया के द्वारा प्रवेश करती है उसे हम विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और वातावरण में CO2 का हाई कंसंट्रेशन होता है जबकि पौधों के भीतर इसका लो कंसंट्रेशन होता है, इसलिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ CO2 का विसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल में CO2 और O2 का संतुलन किसके कारण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। हम जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ वातावरण में ये बनाए रखते हैं CO2 और O2 के बैलेंस को। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, पादपों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की वाष्पनिक हानि को क्या कहा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, अंग्रेजी में ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ट्रांसपिरेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13,
पोषण, जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है एंजाइम का उपयोग करके पचाता, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी होलोजोइक, अर्थात जंतु के समान भोजन करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य और अन्य प्राणी किस प्रकार के पोषण का प्रदर्शन करते हैं? तो प्राणी संभोजी होलोजोइक न्यूट्रिशन का प्रदर्शन करते हैं। कौन? मनुष्य और अन्य प्राणी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पोषण की वह विधि जिसमें मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व तो ग्रहण करते हैं, क्या कहलाता है? तो यह पोषण की विधि मृत जीवी सेप्रोफाइटिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, हरे पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बना लेते हैं कहलाते हैं स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स इसे अंग्रेजी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के पोषण में भोजन का पाचन शरीर के बाहर होता है? तो मृत पोषी पोषण में। क्वेश्चन नंबर 18, पौधे द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, बढ़ते शिशु पौधे के लिए भोजन का भंडारण किस में करते हैं? तो वे बीजपत्र में करते हैं, कॉटिलेडन्स में करते हैं। टोनोप्लास्ट एक झिल्ली है जो कोशिका में रिक्तिकाओं को घेरे रहती है। रिक्तिका का अंग्रेजी होता है वैक्यूल्स। ये पौधों में एक बड़ी रिक्तिका होती है जबकि जंतु की कोशिकाओं में अनेक छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ कथन 2, 3 और 4 बिल्कुल ही सही हैं, अर्थात जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, यह भी सही है। एक कोशिकीय जीव शोषण करते हैं और प्रजनन करते हैं, यह भी सही है। और कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिकाओं से पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करना है, यह भी सही है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है? तो द्विगुणित होती है, डेप्लॉइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और जंतु जगत की बात करो तो मेढक को जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है, अर्थात ये जल एवं स्थल दोनों में अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, जिन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं उसे आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक इसके विपरीत जिनके बीज फलों के अंदर नहीं ढके होते हैं उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। नेकेड सीडेड प्लांट आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दे रखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म कौन है? तो ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, दो से अधिक जीनों या गुणसूत्रों के सेट की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, द्विगुणित कोशिका में क्रोमोसोम के एक या अधिक पूर्ण सेट की हानि या प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो यूप्लॉइडी कहते हैं। मध्यवर्ती पट्टिका पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों की संरेखण समसूत्रण की किस अवस्था का निर्माण करता है? तो मध्यावस्था का निर्माण करता है, मेटाफेज का निर्माण करता है। मेटाफेज कोशिका विभाजन की एक मध्यावस्था है जिसमें गुणसूत्र कोशिका के बीचों बीच चले आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, रिक्तियों को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा उपकला उत्तक का कार्य है? तो उपरोक्त सभी, रक्षण शोषण स्राव। एस्टेटन जर्मिनेटिवम किस प्रकार की एपिथिलियम का उदाहरण है? तो स्तंभाकार एपिथिलियम का उदाहरण है, कोलोनार एपिथिलियम का उदाहरण, इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, स्तंभाकार उपकला शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? तो अमाशय और आंत की दीवारों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, सल्की उपकालिक कोशिकाएं किसके आंतरिक स्तर में पाई जाती है? ग्रसिका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, स्तरित सल्की उपकला किस में पाया जाता है? तो ग्रसनी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, सल्की या सल्काव एपिथिलियम का प्रमुख कार्य है सुरक्षा।
क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोगों का समूह है? तो प्लेग, लिप्रोसी, डिप्थीरिया, ये तीनों के तीनों जीवाणु से होने वाले रोग हैं। जबकि मलेरिया, पोलियो और मम्स, इसमें मलेरिया प्रोटोजोआ से, पोलियो वायरस से और मम्स विषाणु से। पुनः ऑप्शन नंबर बी में मम्स विषाणु से, हैजा जीवाणु से, टाइफाइड जीवाणु से। ऑप्शन नंबर डी में खसरा विषाणु से, टीबी जीवाणु से और टिटनस ये भी जीवाणु से होने वाले हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर पर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37, मलेरिया और कालाजार प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। और मलेरिया और कालाजार निम्न से किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण या प्लाज्मोडियम के अन्य दूसरी स्पेसीज के कारण, और कालाजार होता है लिस्मेनिया डेनोवानी नामक प्रोटोजोआ के कारण। दोनों के दोनों प्रोटोजोआ हैं जो क्रमशः मलेरिया और कालाजार मनुष्य में उत्पन्न करते हैं। कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो लिस्मेनिया डेनोवानी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 39, हमारे शरीर में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है तो ग्लूकोज होती है। क्वेश्चन नंबर 40, गेहूं का दाना एक है क्या है? तो फल है। गेहूं एक क्या है? तो औषधि पौधा है। और क्वेश्चन नंबर 42, बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो हड्डियों के कमजोर होने पर, हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने पर ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने के लिए बीएमडी बोन मिनरल टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, एलिसा परीक्षण किया जाता है हेपेटाइटिस, एड्स, थायराइड डिसऑर्डर और बहुत सारे बीमारियों का पता लगाने के लिए और उसके निदान के लिए। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वह गुर्दा है, ब्रिक है या किडनी है? चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द आवर बॉडी, जो कि यूरिया के रूप में, मूत्र के रूप में हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करता है। मानव का मूत्रसर्जन ब्रिक होता है। फेफड़े, यकृत, त्वचा अतिरिक्त उत्सर्जी अंगों के अंतर्गत आते हैं, जबकि मुख्य क्या है? तो वह हमारा होता है ब्रिक, गुर्दा या किडनी। नेफ्रॉन ब्रिक की इकाई है, गुर्दा की इकाई है, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46, ब्रिक की सूक्ष्म रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, एकक है, यूनिट है, नेफ्रॉन। बहुत सारे नेफ्रॉन से लगभग लाखों की संख्या में एक किडनी में नेफ्रॉन होते हैं और इससे ब्रिक का निर्माण होता है। यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और द किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हेनले लूप निम्नलिखित अंगों में से किसका भाग है? तो गुर्दा का भाग है और यह एक भाग होता है किसका? तो नेफ्रॉन का होता है। यह केस के नली के समान होता है। हेयर पिन जैसी संरचना नेफ्रॉन का एक भाग है, वह कहलाती है हेनले लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? यूरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रिक के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय हो सकता है, वह कहलाता है यूरेमिया। और लास्ट क्वेश्चन है, मानव का मुख्य उत्सर्जन उत्पाद है यूरिया। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड इवनिंग।